मोतिहारी जिले के केसरिया प्रखंड के एफसीआई गोदाम में रखे अनाज और गरीबों का निवाला सड़ जाने की खबर से प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई, जिस पर जिला अधिकारी शीर्षित कपिल अशोक नाव पर सवार होकर गोदाम पहुंचे। वहां रखरखाव और विधि व्यवस्था देखकर जिला अधिकारी ने नाराजगी जताई और अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा। डीएम शीर्षित कपिल अशोक ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक जांच टीम का गठन किया, साथ ही साथ टीम को सड़े हुए अनाज की जांच रिपोर्ट सौंपने के सख्त निर्देश दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने कहा कि गोदाम में करीब 700 क्विंटल अनाज पानी में सड़ गया है। उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोदाम में जो बाढ़ और अप्रत्याशित जल वृद्धि हुई है प्रखंड कार्यालय में, उसके तहत जो नुकसान हुआ था, जो फूड ग्रेन हमारे जो है डैमेज हो गया है, उसके लिए यहाँ पे हम आए थे। तो डीजीएम लोग भी है, एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी, उसका रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त हुआ है और दोषी कर्मचारियों और पदाधिकारियों पर हम कार्रवाई करने भी जा रहा है। परंतु ये खेदजनक बात है कि यहाँ पे जो है इस तरीके से जो खाद्यान्न है जो गरीबों के लिए आया है वो नष्ट हो गया किसी कारणवश, परंतु जो है आगे की कार्रवाई जो है शीघ्र। बहरहाल आपदा के कहर के मद्देनजर गोदाम में रखे अनाज को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अरुण कुमार के द्वारा कार्रवाई करते हुए 7,000 रुपए प्रतिदिन की दर पर प्राइवेट नाव में रखकर गोदाम से खाली करने की कवायद जोरों शोरों से चल रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोतिहारी से अरुण कुमार की रिपोर्ट।